हेलो दोस्तों, राजू वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पास मेरे कई यूट्यूबर दोस्तों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि सर, PVT 500A की स्ट्रेंजर का वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताइए। तो चलिए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को देख कर कोई भी स्ट्रेंजर एम्पलीफायर का रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक हाथ से मैं ये कैमरा पकड़ा हूँ और एक हाथ से ये मीटर में मेजरमेंट करेंगे कहाँ पर कितने सप्लाई आती है और कौन सा पार्ट्स का क्या काम है। तो यहाँ से मैं पावर ऑन कर लेता हूँ ये यहाँ पर, ये देखिए पावर इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, ठीक है, पावर आ चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें माइनस और प्लस की सप्लाई होती है स्ट्रेंजर PVT 501 में, और स्ट्रेंजर PVT 502 में सिंगल सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इसमें देख सकते हैं दो कैपेसिटर लगा है, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस की। तो मैं यहाँ पर ये मीटर रखता हूँ, ये यहाँ अपन लोग रख दिए मीटर को। अब क्या करेंगे, यहाँ हम सप्लाई मेजरमेंट करेंगे। मैं दिखाने की कोशिश कर, एक प्राड ये देख सकते हैं ये ब्लैक वाली, ये मैं ग्राउंड दे दिया हूँ यहाँ से, और एक को यहाँ प्लस पे रखते हैं। ये देखिए हमारा जो ये कांटा जो है, ये सुई है, ये फुल भग रहा है और इसको अपन लोग 50 के रेंज में सेट किए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि हमारा सप्लाई 50 वोल्ट के आसपास जा रहा है, ठीक है। अब माइनस मेजरमेंट करेंगे, देखिए माइनस कैसे मेजरमेंट करते हैं। ये माइनस की जगह हम ये प्लस डाल देंगे और ये हमारा माइनस प्रोब हो गया। पहले हम क्या किए थे, ये जो प्लस कैपेसिटर है रेड कलर के, ये देख सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ सप्लाई मेजरमेंट किए थे। अब हम इस साइड मेजरमेंट करेंगे, ये दिखाने का मैं कुछ, ये देखिए ये मीटर हमारा फुल जा रहा है, मतलब 15 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट माइनस और 15 वोल्ट प्लस, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफार्मर ये जो हमारा होता है ये 40-0-40 15 एम्पियर की होती है, 15 से 10 एम्पियर, ठीक है, या 10 से 15 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15 एम्पियर डालो और अच्छी क्वालिटी मिलेगा साउंड का, 15 एम्पियर की। और 40-0-40 यहाँ मैं एक सेकंड दिखाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर डायोड रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये डायोड लगा है, यहाँ 40-0-40 आता है। उसके बाद यहाँ से डीसी होकर ये फिल्टर कैपेसिटर में और कैपेसिटर के थ्रू हमारे ये ट्रांजिस्टर में चला जाता है, प्लस यहाँ बोर्ड पे, ठीक है। तो पहले की तरह हम ये अपना प्रोब यहाँ रख लेते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो थोड़ी सी लंबा होने वाला है, तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, स्किप ना करें, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम आ जाते हैं ड्राइवर बोर्ड पे, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूँ ना, सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, वायर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। आप ड्राइवर बोर्ड को पलटेंगे तो जो ये वाला प्रिंट जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्लस की सप्लाई होती है जिसमें 15 वोल्ट प्लस यहाँ पर इन होता है, ठीक है, ये कैपेसिटर से सीधा यहाँ डाल देंगे, या तो फिर ये ट्रांजिस्टर साइड, ये देख सकते हैं अंदर की तरह ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 37-73, ठीक है, वहाँ से भी आप सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 15 वोल्ट, मैं यहाँ मेजरमेंट करता हूँ, वो देखिएगा मेरा हमारा मीटर, और मैं 50 के रेंज में उसको सेट किया हूँ, तो हमारा मीटर फुल जाएगा, ये देखिए
15 वोल्ट यहाँ आ रहा है और यहाँ से हमारा 220 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ हम मेजरमेंट करेंगे और यहाँ मेजरमेंट करेंगे यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 15 वोल्ट ठीक है और यहाँ पे हमारा आ रहा है कुछ कम आ रहा है यहाँ से ठीक है और यहीं से चला जाएगा हमारा, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या है, 220 ओम 5 वाट का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर हमारा 3055 का ट्रांजिस्टर है जो कि इसके कलेक्टर पॉइंट में गया है और एमीटर से ये आउट हो गया है ठीक है। हाँ ये एमीटर से आउट हुआ है तो यहाँ पे ये रहा हमारा एमीटर, एमीटर पे हमारा जा रहा है 25 वोल्ट ठीक है। यहाँ से 50 वोल्ट क्या है, यहाँ ये ट्रांजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर हमें 25 वोल्ट मिलेगा ठीक है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ से हमें 20 वोल्ट या 25 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, हम यहाँ लिख के रखे हुए हैं ये देख सकते हैं 25 वोल्ट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं 25 वोल्ट। अब ये सप्लाई किसके लिए है वो मैं बता देता हूँ, ये 20 से 25 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर जो बीटी बोर्ड लगे रहते हैं ना उसके लिए होता है ठीक है और हमारा जो ये आउटपुट एलईडी जो ग्लो करता है उसके लिए होता है ठीक है। और यहाँ से हमारा थर्मोस्टर के लिए जाता है दो वायर, ये मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ ये देख सकते हैं ये हमारा थर्मोस्टर जो कि ये ज़्यादा हीट होगा तो हमारा एम्पलीफायर ट्रिप कर जाएगा तो हमारा ये टेम्परेचर वाला एलईडी ग्लो करने लगेगा ठीक है। यदि यहाँ से ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट हो जाता है या इस ड्राइवर बोर्ड का जितने भी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होगा तो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये रहा हमारा ओवरलोड स्विच ये ट्रिप कर जाएगा ठीक है। तो ये सामने साइड का ये ओवरलोड एलईडी ग्लो करने लगेगा ठीक है। तो यहाँ मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हमारा प्लस का सप्लाई आ गया और यहाँ पर हमारा बेस का एक वायर लग जाएगा, यहाँ हमारा एमीटर का एक वायर लग जाएगा ठीक है। मैं इसको सर्किट डायग्राम में और भी समझा दूंगा, फिलहाल आपको वीडियो में बता रहा हूँ, यहाँ दिखाने का कोशिश करता हूँ वायर पूरा लगा हुआ है ये देख सकते हैं यहाँ पर माइनस वोल्ट। मैं अपना प्रोड को फिर से इसको ग्राउंड कर लेता हूँ रेट को और ये माइनस वोल्ट मेजरमेंट करेंगे यहाँ हम, तो यहाँ हमें 15 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। हमारा मीटर देखिएगा 50 के रेंज में अपन लोग सेट किए हैं, ये देखिए कहाँ हमारा स्विच खुल जा रहा है 15 वोल्ट के आसपास हमें बता रहा है ठीक है। यहाँ पर 15 वोल्ट आएगा और यहाँ पर 15 वोल्ट प्लस आएगा, यहाँ पर 15 वोल्ट माइनस आएगा ओके। उसके बाद ये रहा माइनस साइड का बेस पॉइंट, तो बेस में भी हमारा 15 वोल्ट आएगा, ये देखिए हमारा स्विच जो है फुल भग रहा है ये देखिए 50 के रेंज में इसको हम सेट किए हैं, इसको यदि हम 250 में सेट कर देंगे तो हमारा फुल नहीं जाएगा, ये देखिए यहाँ तक हमारा जा रहा है
15 वोल्ट, ये देखिए 15 वोल्ट जा रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं ये रहा कलेक्टर का एक वायर और ये जो आप ये वाला देख रहे हैं ये येलो कलर का, ये येलो कलर का लगा है हमारा आउटपुट जो स्पीकर के लिए जाता है आउटपुट ट्रांसफार्मर में, वो वाला वायर है, इसको स्पीकर का वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन वायर इस साइड लगा है और एक और ये दो और ये तीन, तीन वायर इस साइड और एक येलो करके चार वायर यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमारा टोटल हो गया 3, 3, 6, 1, 7 वायर लगता है यहाँ पर ड्राइवर पे। और जो बाकी का ये वाला जो हमारा वायर है ये हमारा ड्राइवर बोर्ड का है, सॉरी ये हमारा गया है बीटी बोर्ड में। ओके, ये हमारा बीटी बोर्ड है, यहाँ से हमें ये ऑडियो आउट करेगा। ठीक है, ये वाला वायर, ये ऑडियो और ये ग्राउंड यहाँ पर जोड़ना है, जो बीटी बोर्ड से निकलेगा उसको यहाँ कनेक्ट करना है। यहाँ 20 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से आउट होगा जो कि बीटी बोर्ड के लिए होगा, उसके लिए ग्राउंड है, ये दोनों थर्मोस्टर के लिए। एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ये है हमारा थर्मोस्टर और पावर एलईडी के लिए यहाँ ये दे रखा है। ठीक है, ये रहा ग्राउंड और ये रहा रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ से 15 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से हमें 4.7 के या 5.6 के डाल के यहाँ से एलईडी के लिए, ये पावर एलईडी के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका वायरिंग कनेक्शन और इसको हम थोड़ी देर के लिए एम्पलीफायर को बंद करते हैं। अभी कैपेसिटर चार्ज है इसलिए हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, देखिए बुझ गया। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए हम यहाँ पर पेपर का यूज किए थे, पेपर को कुछ कॉपी वगैरह को रखे थे क्योंकि चार्ज वगैरह रहता है इसमें। ओके, ये हम इसके हम ये साइड दिखा देते हैं, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये 2SA 940 और 2SC 2073 और ये रहा 2SC 2073 और 2SA 940। ठीक है, यहाँ पर PNP और NPN ट्रांजिस्टर का यूज किया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप 3055 या 6292 एक ही मतलब है, कोई से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसी हमारा आउटपुट एलईडी के लिए वर्क करता है। ठीक है, ये रहा हमारा 5 वाट का 220 ओम का रेजिस्टेंस जो कि इस ट्रांजिस्टर को वोल्टेज कम करके यहाँ पहुँचाता है, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर हमें 20 से 25 वोल्ट आउटपुट देता है। ठीक, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं और ये रहा इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये 3773 का ट्रांजिस्टर लगा है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर एक लगा है रेजिस्टेंस जो कि ये 30 से 40 वाट का हो सकता है और ये 2.2 ओम्स या 1 ओम्स हो सकता है। ठीक है, वो कंपनी अपने हिसाब से लगा के रखता है, इसमें लगा रखता है। तो चलिए इसको सर्किट डायग्राम में एक बार समझ लेते हैं। ये रहा इसका वीडियो, मैं और भी डाल चुका हूँ पहले तो ये ज्यादा समझ में आएगा, एक बार समझा देता हूँ मैं। ये रहा पेन, ये रहा हमारा 3773 और 3773 का ये रहा कलेक्टर पॉइंट। ठीक है, दो दो का मैं बना दिया हूँ, एक साइड इसमें हम 7 से 8 या 10 ट्रांजिस्टर डालेंगे और एक साइड 7 से 8 या 10 ट्रांजिस्टर डालेंगे। ठीक है,
तो ये रहा हमारा 37.73 और देखिए ये हमारा क्या है, माइनस पॉइंट है। ठीक है, 501 में माइनस और प्लस की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और देखिए मैं जो ये वाला जो मैं रेजिस्टेंस डाला हूँ इसका मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये रहा दो रेजिस्टेंस, या एक भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका कनेक्शन ये रहा 37.73 और इसके एमीटर से हम क्या जोड़े हैं यहाँ पर, पॉइंट 33, इसको E33 बोलते हैं, या E33 या 5 वाट में होता है। ठीक है, और ये ऐसे कनेक्शन होके ये देख सकते हैं ये सीधा क्या कहाँ चला गया, एमीटर पॉइंट में चला गया, यहाँ ड्राइवर बोर्ड के। ठीक है, और कलेक्टर से हमें क्या करना है, कलेक्टर से ले जा के सीधा ये रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है, दो या सिंगल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसके कलेक्टर से माइनस सिरा के माइनस ट्रांजिस्टर एक साइड लगेगा, मैं दिखाता हूँ, इस साइड माइनस लगेगा, इस साइड प्लस लगेगा। ठीक है, इसका दोनों का वायरिंग अलग अलग से होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये माइनस हो गया, माइनस किस में गया है, एमीटर में लगा है, और यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर प्लस गया है जो कि इसका कलेक्टर पॉइंट में लगा हुआ है। ये देख सकते हैं इसका कलेक्टर पॉइंट में लगा हुआ है। इसका आउट कहाँ से हुआ है, हर एम्पलीफायर की तरह एमीटर से हुआ है। ये देख सकते हैं एमीटर से ये चला गया आउटपुट ट्रांसफार्मर में। ओके, और ये माइनस का जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर से निकाला है, ये देख सकते हैं ये कलेक्टर पॉइंट होगा इसका। ये कलेक्टर से ऐसे निकाल के ये दो रेजिस्टेंस डाला हुआ है यहाँ पर 2.2 ओम, 30 वाट या 40 या 50 वाट का भी हो सकता है, यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे, फिर ये हमारा आउटपुट हो गया ट्रांसफार्मर में। अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक जो वायर ले जाके हम ड्राइवर बोर्ड के ये कलेक्टर बोल सकते हैं इसको, अब यहाँ से कलेक्टर से निकला है तो इसको हम कलेक्टर मान सकते हैं, ये वाला पिन में लग जाएगा। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ, जो वीडियो में मैं पहले बताया था अभी कुछ देर पहले, एक सेकंड, ये देख सकते हैं ये स्पीकर का जो वायर है वो यहाँ लग जाएगा। ओके, इसी का मैं बात कर रहा था, ये वाली वायर का, ये वाली। ठीक है, ये हमारा ड्राइवर बोर्ड में लग जाएगा, और यहां से एक वायर ले जाना है, एक तो रेजिस्टेंस से पहले ले जाना है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर से ले जाना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम एमीटर भी मान सकते हैं या तो कलेक्टर भी मान सकते हैं, आप जैसा आपको आपका मन करे वो यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन इसका वायरिंग इसी हिसाब से होगा। ओके, यहाँ प्लस सप्लाई, यहाँ बेस, यहाँ एमीटर। ठीक है, और इसको भी एमीटर मान सकते हैं, या इसको कलेक्टर मान सकते हैं, या एमीटर इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए आप एमीटर साउंड हुआ है। ठीक है, तो इस साइड को हम एमीटर मान लेंगे, यहाँ कलेक्टर साउंड हुआ है तो इस साइड को हम कलेक्टर मान लेंगे, इसलिए हम यहाँ कलेक्टर डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा प्लस, बेस, एमीटर, एमीटर, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद बेस, एमीटर। ठीक है, और ये ग्राउंड इसको खाली छोड़ना है, ये 701 और 501 का वायरिंग सेम किया रहता है। ठीक है, स्ट्रेंजर जो कि सेम किया रहता है, तो इसलिए मैं इसको बना दिया हूँ। और ये कलेक्टर पॉइंट्स रहता है वो अधिकांश 701 का जो मॉडल आता है स्ट्रेंजर में उसमें यहाँ पर लगा रहता है, और 501 में ये कट हो जाएगा, हमारा यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो इसको आप देखिएगा गौर से, सबसे पहले यहाँ प्लस, बेस, एमीटर, एमीटर, बेस, एमीटर। ओके, और माइनस मैं दिखाता हूँ एक सेकंड ड्राइवर बोर्ड को,
कीट को आप पलटेंगे ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हमारा सर्किट डायग्राम में क्या दिया है, प्लस वोल्ट बेस एमीटर, ओके। तो हम यहाँ देखेंगे प्लस सप्लाई है, ठीक है, ओके, बेस एमीटर। अब यहाँ पर स्पीकर का पॉइंट लगेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर स्पीकर का पॉइंट लग जाएगा। तो या आप यहाँ से भी दे सकते हैं या तो फिर यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब ये आ जाते हैं, ये माइनस वाली सप्लाई हो गया, ठीक है। अब माइनस का सप्लाई यहाँ से एमीटर बेस, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये रहा एमीटर, उसके बाद ये बेस, ठीक है। और ये जो है कलेक्टर का पॉइंट, ओके, ये कलेक्टर जो मैं बात कर रहा था अभी, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको कलेक्टर, यहाँ से कलेक्टर से निकला है तो इसको कलेक्टर यहाँ लिख सकते हैं। वायरिंग होना चाहिए, आप जैसा समझे, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायरिंग सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर बेस भी लिख, सॉरी, कलेक्टर भी लिख सकते हैं या एमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट जरूर करेंगे। और अगला मेरा वीडियो फिर स्ट्रेंजर एम्पलीफायर पर रहेगा, उसमें मैं वायरिंग को और भी अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।